छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना नरवा गरवा और घुरवा बाड़ी के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोविंदपुर में गौठान का निर्माण कराया जा रहा है, किंतु उक्त निर्माण को लेकर ग्रामीण एवं सरपंच एक मत नहीं है। ग्रामीणों द्वारा सरपंच पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। जनपद पंचायत कोयलीबेड़ा के ग्राम पंचायत गोविंदपुर में गौठान निर्माण के लिए चिन्हांकित जमीन का ग्रामीणों ने विरोध कर दिया है। ग्रामीण अशोक बाला, शुभंकर मंडल, दीपक दास, जगदीश विश्वास, अविनाश विश्वास, गौतम राय, विकास मंडल, सुशील मंडल, नेपाल माली, विनोद घरामी का कहना है कि गौठान के लिए जिस जमीन का चयन वहाँ स्थान सही नहीं है। गौ से गौठान की दूरी अधिक है। दूसरी बात, जिस स्थान पर गौठान बनाने के लिए चिन्हांकित किया गया है उक्त स्थान पर 1 एकड़ समतल जमीन तथा 3 एकड़ पहाड़ी है। पहाड़ को काट कर गौठान का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर पहाड़ को काटा जाएगा तो कई पौधे नष्ट हो सकते हैं। ऐसे में गौठान के लिए खसरा नंबर 229 सही है। यह जमीन दोनों गांव के बीच में है। उक्त स्थान पर गौठान का निर्माण से दोनों गांव के ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगा। गौठान की जमीन के लिए तहसीलदार, ग्रामीण सचिवालय के माध्यम से कलेक्टर तथा विधायक को भी लिखित में आवेदन दिया गया है। पखानजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सुशील मंडल, ग्राम प्रेसिडेंट है 129 के। ग्राम प्रेसिडेंट है। तो क्या परेशानी हो रहा है आप लोग? गोविंदपुर पंचायत में जो गोठान हो रहा है 129 और 15 नंबर का 20 में होने से हमारा 129 का बहुत सुविधा लाभ मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक दास है। कौन सा पंचायत है? ग्राम पंचायत गोविंदपुर का उपसरपंच। क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी क्या, अभी वर्तमान जो सरपंच है अनिमेश सरकार के पोती द्वारा पोती जो गुंडागर्दी करके गांव से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर गोठान लेके गए जबरदस्ती, जिसमें ग्रामवासी का कोई हित नहीं होगा। हमारा ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी एवं किसान का यही मांग है कि 229 खसरा नंबर 229 में गोठान बनने से दोनों गांव का गोठान से लाभ मिलेगा। क्या इसके बारे में किसी को जानकारी दिए थे कोई अधिकारी को? इससे मतलब मैं तहसीलदार महादेव जी को भी आवेदन के माध्यम से अवगत कराया, सचिवालय में भी दिया, कलेक्टर साहब को। इसका अभी तक कोई तहसीलदार खुद आके दोनों जगह का मतलब देखे, इसमें मतलब 229 का वो उचित समझा। और समस्त ग्रामवासी का यही मांगा है कि 229 में गोठान बनना चाहिए, जिसमें ग्रामवासी का पूरा लाभ मिले। क्या नाम है आपका? शुभंकर मंडल। कौन सा पंचायत है? गोविंदपुर पंचायत। क्या परेशानी हो रहा है गोठान को लेकर? ये गोठान जहाँ काम चालू हुआ है वो दोनों गांव मतलब 129 से बहुत दूर पड़ेगा और 15 नंबर से भी दूर है और कमेटी सेंटर से भी दूर है। तो ये जगह जो फील्ड है और वह पहाड़ी जगह जहाँ बन रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोगों का मांग है कि यहाँ पे बने, मतलब ये दोनों गांव के बीच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विकास मंडल। क्या परेशानी है आप लोग आज यहाँ पे? परेशानी जो गोठान लेके जो बहुत सिलसिला चल रहा है बहुत पहले से ही, तो यहाँ वहाँ करके बहुत जोर धूप चल रहा है, लेकिन गांव के ही देखते हुए जो अभी जहाँ जगह ये तय हुआ है तो यही जगह सबसे बेहतर है। दोनों गांव का बीच है और इसमें बनने से हमारा गांव का 100% लाभ मिलेगा। जानकारी मिल रहा है सरपंच पति द्वारा दूसरे जगह पे बना जाए, क्या उसमें क्या परेशानी हो रही है? वहाँ और परेशानी है, दूर पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है और पहाड़ी है, जहाँ तहसीलदार बोले कि वहाँ ठीक नहीं है जगह, पहले देखने से मैं यहाँ इजाजत नहीं देता। बिल्कुल सही बोले मुझे। तो अभी कहाँ क्या चाहते हैं? अभी हम लोग चाहते हैं दो गांव के बीच में ही गोठान बने, ये खसरा नंबर 229।